जनपद में सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलने पर छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। इस दौरान उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मिलकर उत्तीर्ण होने की शुभकामना दिया, जिसके संबंध में 95.4% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सौम्या पांडे ने बताया कि परीक्षा में सफल होने का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के दौरान काफी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी हमने मेहनत किया और विद्यार्थियों ने बताया कि उत्तीर्ण होने का श्रेय अपने माता पिता एवं टीचर को देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इन लोगों ने भी मेहनत किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीबीएसई बोर्ड में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने कहा। मेरा नाम चक्रपाणि दत्त यादव है। 72 माता पिता को और टीचर को ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ऐप के थ्रू। बीच में कोरोना काल था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, किस तरह दिक्कत होता है? दिक्कत ये हो रही थी कि थोड़ी सी नेट की सुविधा हो रही थी, लेकिन बाद में ठीक हो गई। सौम्या पांडे कितना परसेंट? 95.4। अच्छा, टीचर्स को और पेरेंट्स। हाँ, कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कभी कभी वीडियो पॉज हो जाता था या कभी कुछ, लेकिन टीचर्स ने काफ़ी मदद की। नमन कुमार 94.4। मैं अपने पेरेंट्स को, स्कूल को और स्कूल के टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मैंने किया है, लेकिन मेरे साथ साथ इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया। दिक्कतें ऐसे ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मतलब स्कूल ने मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी किया था, और तो यहाँ से भी मतलब बहुत फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा ये भी था कि मतलब जो भी स्कूल आने और जाने का जो टाइम है वो बचा, तो इसका और हम पढ़ाई में दे सकते हैं, तो दैट वाज नो। काजल त्रिपाठी इधर आओ, किसमें पसंद? 82। तुम्ही को बेटा, तुम्ही को मम्मा को। बीच में कोरोना काल था, ऑनलाइन पढ़ाई, हाँ, फिर भी मतलब अपना हम लोग ट्राई करते थे बेस्ट, फिर घर पे भी जाके रिवीजन करते थे, पढ़ते थे। स्थानायक 87.6। टीचर्स को और पेरेंट्स को? कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था ऑनलाइन क्लास में, और कभी कोई नेटवर्क इशू होता था, ऐसी सब चीज़ें होती थी, तो और पर टीचर बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए मतलब अच्छा परसेंट स्कोर कर पाए। घर वाले भी सपोर्ट करते थे ऑनलाइन? हाँ, घर वाले भी सपोर्ट करते थे। अपूर्वा पांडे 94%। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, और फिर जो हमारे टीचर्स जो हमेशा हमें हमारे सपोर्ट में थे। सर, प्रॉब्लम्स तो हुई ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी था कि हम ऑल टाइम पढ़ पा रहे थे और अपने स्टडीज़ में फोकस कर पा रहे थे, और फिर ऑनलाइन जो हमें मटेरियल मिल गए थे यूट्यूब वगैरह से, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जा रही थी। लेकिन तभी भी ऑफलाइन को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में भी जिसको एडवांटेज लेना था वो ले लिया था उसमें।